जनपद में अगले दो दिनों तक तेज हवाएं व ओले पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि रविवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई है। ब्लॉकों व तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है कि कहीं पर किसी प्रकार की जन हानि पशु हानि हुई हो तो वह आपदा मोचन निधि के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग द्वारा सूचना अनुसार जनपद में दो से तीन दिनों में तेज हवा और बारिश की संभावना है तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओले भी गिर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी रात में काफ़ी झोंकेदार हवा चली है और बारिश भी हुई है कुछ जगहों पर, तो इसके संबंध में सभी तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है कि कहीं किसी प्रकार की कोई क्षति हुई हो, चाहे पशु हानि, जन हानि या फिर कहीं मकान क्षति वगैरह का, तो उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है सभी तहसीलों से, जिससे कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सर आगे क्या स्थिति है? अभी जो हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो अभी हमें फोरकास्ट प्राप्त हुआ है उसके अनुसार अभी गोरखपुर में बेसिकली आने वाले एक दो दिनों तक, मतलब उन्होंने 23 तारीख और 24 तारीख के बीच में उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि एक बार फिर इसी तरीके से झोंकेदार हवा भी चलेगी। उनके रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थलों पर ओले भी पड़ने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है, तो अभी कुछ दिनों तक मतलब जनपद में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह का मौसम बना रहेगा अगले 3-4 दिनों तक।